भजे व्रजे कमंडनम समस्त पाप खंडनम स्वभक्त चित्त रंजनम सदैव नंद नंदनम सुपिच्छ गुच्छ मस्तकम सुनाद वेणु हस्तकम अनंग रंग सागरम नमामि कृष्ण नागरम नमामि कृष्ण नागरम। मनोज गर्व मोचनम विशाल लोल लोचनम विधुत गोप शोचनम नमामि पद्मलोचनम करार विंद भूधरम स्मितावलोक सुंदरम महेंद्र मान धारणम नमामि कृष्ण वारणम नमामि कृष्ण वारणम। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, श्री वल्लभाधीश की जय। आज मार्गशीर्ष कृष्ण दशमी शनिवार 19 नवंबर 2022 है। शीत ऋतु प्रारंभ हो चुकी है, जिसमें श्रीनाथ जी में विविध रंगों की घटाओं के दर्शन होते हैं। इसी क्रम में आज प्रथम घटा है और श्रीनाथ जी में आज हरी घटा के दर्शन होंगे। पुष्टि मार्ग के अधिकांश ग्रहों में घटाएं शीतकाल में होती है, यद्यपि कुछ ग्रहों में घटाएं सावन के मास में भी होती है। घटा के दिन सर्व साज वस्त्र आदि सभी एक ही रंग के होते हैं। आकाश में वर्षा ऋतु में जिस तरह विविध रंगों के बादलों के गहराने से जिस प्रकार घटाएं बनती है, उसी भाव से श्रीनाथ जी में मार्गशीर्ष और पौष मास में विभिन्न रंगों की द्वादश घटाएं द्वादश कुंजों के भाव से होती है। कई वर्षों पहले चारों युथाधिपतियों के भाव से केवल चार घटाएं होती थी, परंतु गौस्वामी वंश परंपरा के सभी तिलकायतों ने अपने अपने समय में प्रभु के सुख तथा वैभव में वृद्धि हेतु विभिन्न मनोरथ विभिन्न समयों में आयोजित किए थे और इन मनोरथों के तहत घटाएं भी बढ़ती गई। इसी परंपरा को कायम रखते हुए नित्य लीलास्थ गोस्वामी तिलकाय श्री गोवर्धन लाल जी महाराज श्री ने निकुंज नायक प्रभु श्रीनाथ जी के सुख एवं आनंद में वृद्धि हेतु सभी द्वादश कुंजों के भाव से 8 घटाएं स्थाई रूप से बढ़ा दी और कुल 12 अर्थात द्वादश घटाएं कर दी, जो कि आज भी नियमित रूप से चल रही है। इनमें से कुछ घटाएं निश्चित दिनों पर होती है, जबकि कुछ घटाएं अन्य कुछ घटाएं ऐच्छिक होती है, जो खाली दिनों में ली जाती है। अर्थात जिस दिन कोई मनोरथ नहीं हो, उस दिन तिलकायत महाराज श्री की आज्ञा से उन खाली दिनों में घटाएं ली जा सकती है। जो द्वादश कुंज है, जिन द्वादश कुंजों के आधार पर श्रीनाथ जी में 12 घटाएं होती है, वे द्वादश कुंज इस प्रकार है: अरुण कुंज, हरित कुंज, हेम कुंज, पूर्णेंदु कुंज, श्याम कुंज, कदम्ब कुंज, सीताम्बु कुंज, वसंत कुंज, माधवी कुंज तथा कमल कुंज, चंपा कुंज और नील कमल कुंज। इस प्रकार कुल 12 घटाएं 12 कुंजों के भाव से होती है। जिस रंग की घटा हो, उसी रंग के कुंज की भावना होती है। इसी कड़ी में आज हरी घटा है, जो हरित कुंज के भाव से होती है। इसका एक अन्य भाव यह भी है कि प्रभु श्री श्याम सुंदर श्री कृष्ण नील वर्ण के हैं और स्वामिनी जी गौर वर्ण अर्थात पीत वर्ण की है। दोनों वर्णों के मिलने से अर्थात नील वर्ण और पीत वर्ण के मिलने से हरा रंग मिलता है। अतः आज प्रभु और श्री स्वामिनी जी के मिलन के भाव से सर्वप्रथम हरी घटा होती है। आज साज वस्त्र श्रृंगार माला जी
आभरण इत्यादि सभी हरे रंग के होते हैं। कीर्तन भी आज हरी घटा की भावना के ही गाए जाते हैं। सभी घटाओं में राजभोग तक का सेवा क्रम अन्य दिनों की तुलना में काफ़ी जल्दी हो जाता है। आज के दिन विशेष रूप से शयन की आरती सभी बत्तियां बुझाकर की जाती है। आरती की लो की रोशनी में प्रभु के अद्भुत स्वरूप की अलौकिक छटा, अद्वितीय छटा परिदृश्यमान होती है। इसी प्रकार आगामी अमावस्या को अर्थात मार्गशीर्ष कृष्ण अमावस्या को श्याम घटा होगी और उस दिन विशेष रूप से शयन की आरती सभी बत्तियां बुझाकर की जाती है। उसके बाद सभी घटाओं में शयन के दर्शन बाहर नहीं होते हैं। अतः यह आनंद केवल दो घटाओं हरि घटा तथा श्याम घटा में ही उठाया जा सकता है। आज की साज सेवा में श्रीनाथ जी में आज हरे रंग के दरियाई वस्त्र की पिछवाई धराई जाती है। आज गादी, तकिया और चरण चौकी पर भी हरी बिछावट ही की जाती है। आज की वस्त्र सेवा में प्रभु श्री वल्लभादीश को आज हरे रंग के दरियाई वस्त्र का रुपहली तुई लेस की किनारी से सुसज्जित सूथन, घेरदार वागा चोली तथा मोजाजी धराए जाते हैं। ठाड़े वस्त्र भी आज हरे रंग के ही धराए जाते हैं। आवरण श्रृंगार सेवा में आज प्रभु श्री गोवर्धन धरण को छोटा अर्थात कमर तक का हल्का श्रृंगार धराया जाता है। आज सर्व आभरण पन्ना के धराए जाते हैं। श्रीनाथ जी प्रभु के श्रीमस्तक पर आज हरे रंग की गोल पाक के ऊपर सिर पेच हरे रेशम का दोहरा कतरा और शीश फूल धराए जाते हैं। प्रभु श्री के श्रीकर्ण में आज कर्णफूल धराए जाते हैं। श्रीनाथ जी प्रभु के श्रीकंठ में आज हरे रंग के पुष्पों की दो सुंदर माला जी धराई जाती है। ठाकुर जी के श्रीहस्त में आज हरे मीना के वेणु जी एवं एक वेत्र जी धराए जाते हैं। खेल के साज में आज पटहरा और गोटी हरे मीना की आती है। आइए अब हम आज की राग सेवा, आज की कीर्तनों की चर्चा करते हैं। मंगला दर्शन में आज कीर्तन तुम हरे केवल चीर, राजभोग में हरि नागर सो नेह मेरो भाई, आरती में पावन मोहन मन जो हरियो, शयन में चले जात पायो हरि हीरा, तथा मान के कीर्तन में हरि बोलत चल गोकुल नारी, और पोड़वे के कीर्तन में रंग महल सुखदाई। इस प्रकार इन सभी कीर्तनों का आज प्रभु के सम्मुख गान किया जाता है। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आज बस इतना ही। आप सभी का हार्दिक आभार, धन्यवाद। आपका दिन शुभ।